अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अदीला। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी और टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी, जिसे कहते हैं वर्की पूरी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिया गया बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूवर्स, वर्की पूरी इतने इजी और टेस्टी स्नैक्स हैं कि इन्हें आप रोजाना अपने टी टाइम का हिस्सा बना सकते हैं और बहुत जल्दी और बिलीव में इंतहाई आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाते हैं और हर घर में ये चीजें मौजूद होती हैं। इसके लिए जो हमें चीजें चाहिए वो देख लेते हैं। मैदा लिया है मैंने 2 कप भरकर। उसके अलावा हमें चाहिए होगा वाटर, ऑयल हमें चाहिए होगा, कुछ हमें आटे को गूंदने के लिए चाहिए होगा, कुछ हमें बाद में लेयरिंग के लिए चाहिए होगा और कुछ बाद में फ्राइंग के लिए, बल्कि फ्राइंग के लिए बाद में हमें बहुत सारा चाहिए होगा। और यहाँ कुछ स्पाइसेस ले लिए हैं, इसमें मेज या अजवाइन 1 टीस्पून, क्यूमन सीड्स या जीरा 1 टीस्पून, दरदरी पिसी हुई काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून सॉल्ट या नमक। तो ये चीजें हमें चाहिए होंगी डो रेडी करने के लिए। ऑल पर्पस फ्लावर ले लें या मैदा ले लें। तो इसे एक बड़े बाउल में मैंने रखा है और इसमें तमाम जो मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूंगी। अब इन चीजों को हमने साफ हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम स्पाइसेस भी मिक्स हो जाए और ऑयल भी सारे फ्लावर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, ऑयल हमारा इतना होना चाहिए कि ये इस तरह दबाने पे मुट्ठी में तमाम चीजें इकट्ठी हो जाए। अब हम वाटर डालेंगे, एज रिक्वायर्ड डालेंगे और बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना। हमने एकदम टाइट किस्म की इसकी डो रेडी करनी है। तो इस तरह पंच करते हुए हम इसकी बहुत अच्छी सी नीडिंग कर लेंगे। ये देखिए, काफी टाइट सी डो मैंने रेडी कर ली है। अब इसको राउंड करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। कवर कर दें, ऑयल लगा दें ऊपर थोड़ा सा। उससे ये होता है कि ऊपर वाली जो परत है वो सख्त नहीं होती। तो अब कवर करके मैंने 10 से 15 मिनट के लिए उसे साइड पे रख दिया है। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने 2 टीस्पून ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा ऐड किया है और 3 टीस्पून इसमें मैं कॉर्न फ्लोर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो सारा का सारा मैदा ले लें अगर कॉर्न फ्लोर नहीं है तो, या दोनों को मिक्स कर लें, या कॉर्न फ्लोर की जगह आप चाहें तो चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इतना ऐड करेंगे कि हमारा एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तकरीबन 7 से 8 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं। एक दरमियानी सी कंसिस्टेंसी का हमने एक पेस्ट रेडी कर लेना है। ना तो बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा पतला हो। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स ना रहे इसमें। ये देखिए, बहुत ही स्मूथ सा हमारा पेस्ट रेडी हो गया है और उधर डो को रखे हुए भी तकरीबन 10 से 15 मिनट होने वाले हैं। ये देखिए, ये काफी हद तक सेट हो चुकी है। तो ये 10 से 15 मिनट देने का मकसद ये होता है कि ये मजीद स्मूथ हो जाती है। थोड़ा सा इसको अगेन हम नीड करेंगे और इसे ये और भी अच्छी हो जाएगी। इसे लंबी शेप दे दी है मैंने। इसके छोटे छोटे से अब हमने पोर्शंस कर लेने हैं। तो मैंने 6 पोर्शंस किए हैं। अगर आप थोड़े छोटे करना चाहें तो 7 कर लें। उसके बाद इसकी राउंड राउंड छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। तो ये सारी रेडी हो गई है।
जो रोलिंग सरफेस है आपकी जहाँ आप रोटी बेलते हैं उसको क्लीन कर लें और उसके ऊपर मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर डस्ट करें और एक एक बॉल लें, एक एक पोर्शन जो हमने डो का बनाया है वो लें और उसको बेल लें। इसकी हमने एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है जो कि ना तो बहुत ही पतली हो और ना ही मोटी हो, और सारी जो है सरफेस जो है इसकी एक जैसी होनी चाहिए, कहीं से मोटी और पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की हमने ये रेडी कर लेनी है। देखिए ना तो बहुत ज्यादा मोटी है ना ही पतली, तो ये मैंने सारी रेडी कर ली है। 6 की 6 इस तरह की रोटियां मैंने रेडी कर ली हैं। अब जो हमने बैटर रेडी किया था, पेस्ट बनाया था, वो इस तरह से अप्लाई करेंगे। ब्रश की मदद से फैला लें इसको, इससे ये होता है कि इवनली सारा लग जाएगा, स्प्रेड होगा। और ध्यान रहे कि कोई भी जो जगह है वो खुश्क ना बचे, सारी जगह हमने इसको अच्छे से फैला देना है। आप चाहे तो ये काम हाथ की मदद से कर लें। अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे। इसी तरह से हम पेस्ट जो है वो लगाते जाएंगे और उसके ऊपर जो है वो दूसरी अगली जो रोटी है वो बेली हुई वो रखते जाएंगे। ये देखिए इसको बिल्कुल आपने स्ट्रेट कर लेना है, किनारों पे किनारे आने चाहिए। और ये लास्ट वन इस तरह से इसको सेट कर लें। ये मेरी लास्ट पर्थ है, इसके ऊपर मैंने लगाया है और आखिरी रोटी रख दूंगी। और आखिरी रोटी के ऊपर फिर हम पेस्ट नहीं लगाएंगे। ये फिनिशिंग है इसकी यानी लेयरिंग की। इसे अब अच्छे से प्रेस करें। देखिए सारे किनारे बराबर होने चाहिए और एक साइड से उठा के इस तरह से इसे हम रोल कर लेंगे, टाइटली रोल कर लेंगे। अब एक शार्प सा हम नाइफ लेंगे और इसके छोटे छोटे से हम पोर्शंस बना लेंगे, ज्यादा बड़े पोर्शंस नहीं बनाने, दरमियाने बना लें या छोटे साइज के बना लें। देखिए तकरीबन 1/2 इंच के करीब मैं फासला रख के इन्हें काट रही हूँ। तो एक एक पोर्शन लेंगे हम, इसे थोड़ा सा इस तरह राउंड करेंगे पहले, इस तरह फिर दोनों हाथों में रख के प्रेस कर देंगे। तो ये सारा हमने इस तरह से बना लेने हैं। ये देखिए इनकी लेयर्स एक दूसरे के साथ मिली हुई भी लग रही हैं लेकिन अलग भी हैं, इस तरह से हो जाने चाहिए। अब इसे थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे और अपनी पूरी का रिक्वायर्ड साइज जो है उतना रखेंगे। ये देखिए इस साइज की मैं सारी बेल लूंगी। तो ये पूरियां रेडी हो गई हैं हमारी, सारी मैंने बेल ली है। एक पैन में ऑयल लिया है, मीडियम फ्लेम पे रखा है पैन को, और मीडियम हीट हो जाने पे ऑयल में मैंने पूरियां ऐड कर दी हैं और इसे लाइट गोल्डन कलर सब तरफ दे लेंगे। साथ ही क्रिस्पी भी होना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इन्हें फ्राई कर लेना है और फिर ऑयल से निकाल लेना है। तो इस पे सारा इवनली गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, फिर हम इसे ऑयल से निकालेंगे और बाकी की भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। तो रेडी है हमारी बहुत ही टेस्टी और यमी किस्म की वर्की पूरी। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में बॉक्स में डाल के 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं और टी टाइम में इसको ले सकते हैं।
जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी न्यू और यमी रेसिपी के साथ। सो कीप वॉचिंग किचन विद अदीला।